अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, क्या चल रहा है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो ये मरी हो चुकी है सुबह सुबह भी, क्या ये 12 बज चुके हैं और आज क्योंकि मुझे भी नजरा जुकाम हुआ है और खुरम की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, आज वो भी अपनी वर्किंग पे नहीं गए और आज कैशा भी स्कूल नहीं गई। समझे पूरे घर का जो इनसे निजाम है ना वो तदम बदम हो गया। और अब देखते हैं जी, क्योंकि हमारे हैं बड़े खास मेहमान जिनके घर मैं भी जाने का सोचती थी, वो भी आने का सोचते थे, मगर काफी दिन से एक दूसरे घर जा नहीं पाए थे। तो मैं लेटी हुई थी, जैसे ही आए तो मैंने कहा जी माशाल्लाह, मैंने कहा तो रहमत आई है जी हमारे घर में, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो रहमत ही आती है। बहुत बाजी दानी की हाल चाल ठीक, ठीक। सुनाओ मैं तेरे सामने हाँ जी तबीयत खराब ही है काफी देर पास में आ ही नहीं सकी, मेरा भी चक्कर। रोज कह रही है अड्डे दे पुलवामा अड्डे दे पुलवा, कहते नहीं रोज कहता हूँ भूल जाऊं तो मैं रोज ये बात भूल जाता हूँ। तो रोज कहने बिटरी पुलवामा, फिर तो डरी पुलवाना ही भूल जानी है। आज लाजमी लवा लो जाके, 3 बजे देर मैं सो जानी है, होश नहीं होती पैके। तो इधर तंजीला बेटी भी आई है। हां जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ आंटी रूबी के घर। हाँ जी, डांट खाने के लिए। तो वो इसलिए कि बाजीदानी कह रही है कि भाई हमारे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना मतलब कुछ हो रहा है। हाँ जी। तो बहन भाई लाजमी साथ दें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान है, तो मेरे सब्सक्राइब क्यों नहीं बढ़ रहे, वीडियो मेरी हर रोज आ रही है। लेकिन आज रात में मेरा कड़ी रात गुजर गई है, मैं सोच रही थी कि मैं चैनल ना छोड़ दें, बस नहीं हिम्मत नहीं हार रही, हिम्मत नहीं हारी, हूं तक नहीं हारी, लेकिन हूं ना हार गई। मैं हूं तक हिम्मत आ रही है, मैंने देख लो मैं हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। काफी महीने हो गए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिला तो मिलेगा इंशाल्लाह, सिला मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, टेंशन ना लो। पंजाब की रानी व्लॉग, हो सकता है मैं नाम चेंज कर दूं फिर, आज जब पंजाब की रानी ज्यादा चैनल नहीं उठ गया हो सकता है नाम चेंज कर दिए, ठीक है। हाँ जी आज भाई आ जाओ, आओ भाई चाय वगैरह बनाइए, आज चाय वगैरह बनाइए भाई जी। सर कैसे मिजाज हैं आपके? सुस्त, तबीयत खराब है, हाँ जी सो गए उठे ने, तंजीला बड़े चल पाई भी शाल इधर ये वाली अयान अयान अभी झाड़ू नहीं ना लगी, सफाई नहीं बजदा नहीं करगी। और इधर जी आ चुकी हैं जी, वाले ऊंचा बोलना थोड़ा सा। क्या हाल है बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे जी, जिसने कि मेरे बहन भाई ये जी पराठा मजेदार चकोर चकोर पराठा बन रहा है भाभी का, खैर है जी। और तबीयत कैसी रही? रात लेट गए थे ना ऐसे, फिर सो गए थे जाके। तो जी ये हमारी भिंडी, और अब मैं लगी हूँ इसे पहले धो लूंगी अच्छे से, इसे छंटक लेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा ना, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर उसके बाद इसे काट लेंगे। ये भिंडी ऐसे हमने ना कभी काटी है ना कभी पकाई है। दोपहर के खाने की भिंडी, दोपहर के खाने की भिंडी बच बन जाएगी, लोग खाता भी हो जाएगा सही, क्योंकि रात में थोड़ी जी आलू पालक बनाई सी तो हम पैर देखा वो आ जाएगी खा लेंगे, लेकिन हम बन तो जाएगी ना बबी ने किन्ना अपना दूसरा काम कर लेंगे ना सालन पका लेंगे। अल्लाह का भला करे, सुबह आ जाती है बेचारी शाम में जाती है, तो मेरे को लोग लालच करी थी, फिर भी मैं सोचा लेकिन कुछ हो ना कि अपना बच्चा नाल लेके आती है मेरे को, तो आखिर सा फिर काम बन गया एहसास करने का, वो भी सारी बच्ची है तो जिस टाइम ना यहाँ बजरानी को पता चली हमारे मोहल्ले में तो किसी ने मुंह नहीं लगाया था, किसी ने इनको लाइट तक नहीं दी, 2 महीने हमने अपने पास से लाइट दी और बकायदे से पैसे भी नहीं लिए, ठीक है ना जी, कुछ नहीं होता, खैर चले कोई नहीं, लेकिन गरीब गरीब करके अपने में चले कोई नहीं, गरीब है गरीब है, लेकिन हमें नहीं पता क्या हमारे साथ इतना कुछ करेंगे। मैंने तो बजरानी जी ने चैनल पर आके दिए जब ये आया, चलो अपने बच्चों की 2 रोटी कमाई,
चैलेंज भी अपनी मेहनत करेंगे रोज रोटी अपने आप की मेहनत काट के इन लोगों को दी है दिन रात इनको बिना ऑपरेशन हुआ इनको सिखाते थे चोरी हुई है सानू पता की चोरी है इन्होंने झूठ बोला बहन भाई अगर कहते हैं ना कि भाई बात नहीं करनी चाहिए जब इंसान दुखी होता है ना तो बात करता है उस पर बीतती है अगर आप किसी के साथ इतनी मेहनत करें उसको दिन रात उसके साथ साथ दें ठीक है और उल्टा आप इल्जाम भी लें आपको कैसा लगेगा बहुत बुरा लगेगा ठीक है बुरा लगेगा ना तो ऐसे मेरी भी जिंदगी है कि मैं जिसका भी मैंने भला सोचा मैंने जिसका भी साथ दिया उल्टा उसने मेरे सर में जुतियां ही मारी है मेरे सर में जुतियां ही मारी हमें जुतियां ही मिली और मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे इनसे उम्मीद भी यही थी जैसे मैंने चैनल इनको बनाकर दिया था ना मैंने इनको कहा था भाजी रहने के दिन ऐसा आएगा तो मुझे डस लोगी इसने कहा नहीं 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 मैंने कहा नहीं पैसा चीज ही ऐसी चैनल चीज ही ऐसी अगर कोई चीज पकदी सी ना ते अगर भाई को देसी घी खा ली मैं मलाई देसी घी खा ली सर तो मैं देसी घी जब भी खाती तो अगे से रहना कटती फलाने का मुंह बहुत सोना है देसी घ्यो खा सकता अभी देसी घ्यो नहीं खा सकते तो पाओ बाजी साग जी देसी घ्यो दो बाजी फलानी चीज देसी घ्यो दो बाजी फलानी चीज देसी घ्यो ठीक है मैं चुप कर जाती दस जाती बाजी क्या हो गया देसी घी खा लो आप ऐसी कोई बात नहीं है तो खाने वाली चीज है अगर अब नहीं खाएंगे अब मर गए तो ये चीजें नहीं रह जाएगी तो नहीं इस्तेमाल करेगी कुछ नहीं होगा कि आज कौन लोग हैं मुझे बताए जो अपने काम वाले को जिन्होंने देसी घी के नवाले के लाया मुझे इतना याद है बचता नहीं मैंने पाए बनाए तो याद होगा मैंने तंजीला को तो दे दिए थे रात को तो तंजीला ही आया इन्हें मैंने दे दिए बाजी ने आई तो यही लेट है तो मैंने ना डब्बे में डाले अपनी सास के निकाल लिया वैसे तो मेरा देवर नहीं बैठा तो देने के लिए चले गए पाए अम्मी को तो अब ये पता क्या कह दिया ध्यान बची मेरे लिए बोटी नहीं बची मैंने कहा ध्यान तेरा काम बंद था निकाल के अपने लिए रख लेते जब तक पहले मैंने कभी याद नहीं रोका बची उन्होंने मुंह बहुत सोना अखीर मैंने किलो गोश्त फ्रिज में से निकाल के इसको दिया जब ये औरत चुकी है जब के पाए में बोटी नहीं बची किलो गोश्त निकाल कर इसको दिए इसका मुंह बंद हुआ है तो उन्होंने मुंह बहुत सोना वो खा सकते हैं असि नहीं खा सकते बाद में देवर ने कहा उसने कहा ये काम वाली इसको काम वाली जब तक रखो इसे इतना सर पे चढ़ाया है कि तुम्हारे ससुराल वालों पे बातें करे तुम्हारे मायके वालों पे बातें करे मैं जब भी इसकी कौन कौन सी बातें हम इग्नोर करें कौन कौन सी बातें हम इसकी छोड़े ठीक है फिर जिसका काम करने जाती थी वहां पे इसका सूट चल गया अगर उन्होंने काम से निकाल के परे फेंका पूरे महीने की तनख्वाह भी काट ली अगर उन्होंने कहा कि भाई चलो निकलो यहाँ से काम पे से तो मैंने फिर कहा ध्यान रखो मैं कहा बाजी हूँ तुम कैसा लगे पहले तनख्वाह भी काट ली और उन्होंने बेइज्जती भी कर ली ठीक है अरे यहाँ तक कोई बेइज्जती भी नहीं था अपनी मर्जी का खाना था पीना था नसीब का था ठीक है और मैंने कहा आज निकल हमें ये खड़ा करें किसी चीज की रोक टोक नहीं है किसी चीज की बर्तन इतने ने जड़े मेरे जड़े वीडियो नजर आ रहे हैं मैं लैंड गई है ही मर जाने तुसी की जो चार भांडे मेरा ला गए वह हम तुसी मर जाने जो चार भांडे चौद लै गए जिगरा वड्डा रखो जे तुसी अगले की चीजा चुक के लै आंदे हो तो अगले भी अपनी भी चीजा चुकाने का जिगरा रखो तुहाडे भी कोई चीज लैके जा सकदा है मैनू नहीं याद है बची लाने कभी मेरे बच्चे के हाथ उत्ते इन्हें कभी 10 रुपए ईद दे रखे हो तुहाडे सामने ये तुहाडे भाई को मैं कम करते सर जिस टाइम मेरा ऑपरेशन होया हां जी तो हम ही मेरी जड़ी पोजीशन से छोड़ के मेरी हालत से गई है तेन शर्म नहीं है ना किसी चीज का फर्क नहीं कीता लेकिन बाजी ने खा लिया खुद मैं मेरा काम मुंह पका के शहर चढ़ जाना बाजी ने मैं मैंने भी दे दो तुसी भी खा लो उस दे बाद मैं दुखी होता ना ओ तो दिल में बल्ला मेरा अपने लेकिन मेरे दिल में किचो दुआ नहीं निकलती कभी की दुआ नहीं निकलेगी रियाना तो मेरा दिल दुखाया कामयाब कभी नहीं होगी इंशाल्लाह मेरे भी अल्लाह तक तवक्कुल है
क्यों कि जेने मेरे दिन तू खाया ना कामयाबी कभी उन्होंने भी नहीं मिली। मैं तेरा दिन दस साल दिता अपने हाथों की मेहनत दिन दी है अपने हाथों की मेहनत मैंने ध्यानों को दी है दिल दस दिन के साथ थकी हूं। इन्हें एक एक चीज सिखाई इन्हें कल आदमी फैक्ट्री ने हर काम मैंने चैनल का इनको सिखाया है एंड मुझे क्या मिला लानत मिली है इन्होंने कहा हमको वायरल हो गया अब हम छोड़े। जब कोई बंदा वायरल होता तो अपनी औकात भूल जाता है तो ये काम इसने किया लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा लेकिन ऐसा इसने किया है। उल्टा बजाय मेरे मियां को इतनी बात करने का तुम उसे कह दोगे लिपस्टिक क्यों लगी हुई है ये लिपस्टिक कैसे उतरेगी। जब मियां इसका कह रहा भाभी ने गिना पड़ के लिपस्टिक कैसे उतरेगी। मैंने बुलाया था ना बाजी को बाजी मेरी भाभी को बात की मैं देवदानी को इसकी जरूरत कैसे नहीं। उल्टा रैना ने मियां का साथ देके कह है वे कह दी लवाई है कौन सी चीज तू लवाई है इसने कहा इसके मियां ने ये लिपस्टिक कैसे उतरेगी। ये आया तो मैं चटाई पे बैठी तो कह रहा ये लिपस्टिक मैं तो भाई मुझे क्या पता कैसे उतरेगी अपनी बीवी से नहीं वो तो मुझे डांटेगी जब तू लगवा गया था तब तुझे पता था मेरी बीवी डांटेगी और उसका काम ही क्या बनता था मेरे साथ बात करने का मैं उसको नहीं जानती हूँ मुझे नहीं जानती काफी पता था हमारा भाभी साथ है नहीं फिर बजना नहीं कुछ भी है मदद का कम नहीं बनता। हाँ जी बंदे ये कसूर बाद में अपने आप को क्या लगाऊंगी असली मैंने तेरी रिस्पेक्ट दी थी। उसके बाद कह रहा है चैनल में आ रही है आपको सर्वर की गलत काम रही है तो वो भी तो आ रही है ना उसकी गलत काम है जब लिपस्टिक की बात है तब तो सर्वर की बड़ी गलत जाती है। मेरा मियां घुट के उसके कोई बात करे फिर उसको पता चले गलत कैसे जाती है। मैं तो फिर अपने मियां को कहा नहीं भाभी जब बात कर रही है भाई बात कर रहे हैं मैं मकसद ही नहीं है बात करने क्योंकि हमने खुद ही कर ली थी। मैंने कहा तुम ना बोलना तुम्हारा उस टाइम बोलने का था जब उसने ये बात की थी तुम हमारी इज्जत को लिए चुप कर दी बस इतनी बात काफी है अब हम जाने वाला काम जाने बस उनको यही तकलीफ है ये चैनल में क्यों आ रहे हैं भाभी उनका क्यों कर रही है ये क्यों यहाँ पे आ रहा है नहीं वो पूरा तीन साल जब उनका हुआ उन्हें नहीं पता वो रिहाना भी तो इधर आती रही है वो जो बंदा कह गया वीडियो में ओए साले कभी तू 10 रुपए मसीते पाए ने और तेरी औकात से ज्यादा ठीक है जितना अल्लाह ने हमें दिया मस्जिद में देते हैं मैं चल अच्छा फर्ज करो मस्जिद में नहीं डाल रहे लेकिन तेरे घर में तो डालते ही रहे हैं ना तुमने तो हमें छोड़ के रखा ना पूरा तीन साल हम अदा ना कुछ बनने दिया ना हम कुछ अपना बना सके उधर टब्बल के टब्बल चल के आ सकते थे इससे बढ़ के क्या हो गया कि बाप का जनाजा पुप्पी के दरवाजे पड़ा था पुप्पी कह रही थी मिन्नत करके अपने बाप को ले जाओ तो एक बेटी है जनाजा तक तो लेके नहीं आई बाप का दरवाजे पे हाँ जी बाप तरफ 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 के मजा है एक महीना बाप चिंता करते रह गए कि रहना मेरी कुछ दिन जिंदगी क्या मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ मुझे दख ले अच्छा हाँ जी लेकिन इस औरत ने जिंदा अपने घर नहीं आने दिया था। मैंने कहा था रहना अपने बाप को ले आ दुआएं ले ले तेरी सब पे माँ नहीं है बाप है उसको ले आ अपने घर लेकिन ये औरत नहीं लेके इसने कहा मैं नहीं लेके आती। मैंने कहा जो होगा मैं करूंगी उससे पहले मैं तुम्हारे 2 महीने लेके गया जो हमसे होता रहेगा हम करते रहेंगे लेकिन अब भी जो होगा हम करेंगे ठीक है अल्लाह की जात करने वाली हमारी भी क्या औकात है मैंने कहा हम करेंगे। इसने कहा नहीं एंड जब वो बेचारा फोत हो गया ठीक है फिर बाद में पुफियों ने किसी ने भी हाथ रखा इसके सर पे उधर से बारिश हो रही मैं मंजी ने आके की कर दी घर दे इतने तक की कहने जगह थोड़ी जी सी बाप की नहीं बनी वो किसी की क्या बनेगी। हाँ, सही असल बात है मतलब तो बाप आ जाए कसम खुदा के हम कहते हैं कि दिन रात हम खुशी से सो नहीं पाते हम कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए 22 साल सुधर में काटे हमारे लिए कमाया हमारे लिए इतना कुछ किया अल्लाह हमारे सदों पे हमारे बाप का साया सलाम रखना हम इतना खुश होते हैं। फिर व्हाट्सएप पे लोगों को जिनको कह रही है ना सारी मेरे पास वो पहुंच नहीं है जिनका मेरे खिलाफ कह रही है झूठ बोल रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं अपने बच्चों के सर पे आधा क्या कसम खा के हम इल्जाम लगा रहे हैं हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है झूठ बोलने की क्या जरूरत है तेरे पर मियां पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे तेरे मियां वो बेरंगी बात करने पे तुझे हया नहीं आया जुबान चलती थी बंद नहीं होती थी मेरे मुंह पे आके कहे ना मैंने नहीं कहा मैं इसको बताऊं क्या बोल रही बात मैंने क्या क्यों वीडियो लगाया मेरे खिलाफ लगाए बाजी की कहने ने रानी बाजी वो कहने ने जे रही भला करो जो ना बंदा नाक बढ़ के डसे लेकिन असी ने फरमाया नेकी करो दरिया में डालो लेकिन मैं इतना इतने जरूर कहूंगी
कि नेकी को तो दरिया में डालो, असी नेकी की थी गंदे नाले सोल दी, असी ये समझा लिए किसी गंदे नाले से सोल दीती है। बाकी जितने लगे खुश लगे, अब बाद में सारी तरफ ना कोई ताल्लुक है ना सा ना कोई वास्ता है, ठीक है। जो भी बारह को डोनेशन भेजन कुछ भी भेजन, वो इन्होंने भेजन ना भेजन सा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और क्यों कि बई पागल बना देने। पिछले दिन हाँ झूठ बोल के इल्जाम लगा रहे, शर्म नहीं आती, वो शरीफ बंदा है। मैं कहा हाँ बड़ा शरीफ बंदा है, जब तक हम आजाद शरीफ था वो शरीफ था, जब अब उसने बदतमीजी की हमारी नजर में कोई शरीफ नहीं होगा। शरीफ होता है अगर उसको अपनी इतना एहसास होता ना, मेरी बेटी भी जवान है मेरे और 2 साल है वो भी जवान है, ये गैरत करता है ना मेरी बेटी भी। आज मैं किसी की बेटी को बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी को होगी ना वो कभी भी बात ना करता, उसने अपनी बेटी को नहीं समझा, पीछे क्या रह गया। बेटियां जो होती ना वो गैर की हो या अपनी हो, जिसकी भी हो ना, दुश्मन की भी हो, बेटियां सबकी सांझी होती है। अगर समझे आज उस बगैर को हया ही नहीं आया कि वो क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ मुझे कोई डर नहीं है ना मुझे डरना है, तो बेझिझक को मैं कह रही हूँ अगर उसको तकलीफ है मसला है मेरे मुंह पे आके के जो कह रहा है मैंने नहीं बात की, मेरे मुंह पे गए फिर मैं उसको बताऊ मैंने किस टाइम और किस टाइम बात की थी और किस टाइम वक्त मैंने मुझे कहा था चोरी हो गया। मुझे खुद कहने लगी मेरा गाली हो गया। पिछले महीने बादशाह जिस टाइम भाई गया तो एलईडी लैके गए पिछे लैके वूफर वूफर इन्होंने खुद बेचे जो दुकान से भी कहने समझ सकता बस चोरी का नाटक किया चोरी का नाटक चलता